नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर झाबुआ से, जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष में आज पारानगर में हिंदू युवा जनजाति संगठन के तत्वावधान में साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज पारानगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है। शोभा यात्रा बालक हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान से होली चौक होते हुए पारा के प्रमुख मार्गों से निकलती हुई बस स्टैंड पर सभा के बाद समापन हुई। सभा में हिंदू युवा जनजाति संगठन प्रमुख कमल जी डामो ने बताया कि जनजाति समाज के लिए गौरव वीर क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में प्रदेश व केंद्र सरकार ने घोषित किया, जो कि जनजाति समाज के लिए गौरव की बात थी। बिरसा जी ने उनके जीवन में काफी संघर्ष किया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक कर जनजाति समाज हित की रक्षा के लिए कई कड़े कदम उठाए। वह ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ अंग्रेजों से खुलकर लड़ाई की, जिसका पूरे समाज व देश के लिए गौरव की बात है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप ने कहा कि हिंदू युवा जनजाति संगठन लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बनता जा रहा है। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। हमारे भगवान बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने हमारे समाज के हो रहे अत्याचार के खिलाफ ईसाई मिशनरी अंग्रेजों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने हमारे हमारे समाज I'm not afraid to die.
समाज में जागरूकता लाने के लिए, जिस तरीके से हमारे समाज में धर्मांतरण आज से नहीं, जब हम गुलाम थे तब से, जब अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों के साथ ही ऐसा आए, तब से हमारे समाज आदिवासी समाज को टारगेट करके हमारा धर्मांतरण किया जा रहा है। और इस धर्मांतरण को रोकने के लिए जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी थी, उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ाने के लिए गाँव गाँव जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आने वाले 15 तारीख को उनका जन्म जयंती है, तो हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है। हम इन चरणाम में चलते हैं, उनका जन्म है और हमारे समाज देश और धर्म के लिए बहुत गर्व के काम किए, इसीलिए हमने एक आयोजन किया है हमारा क्षेत्र में और जनजाति गौरव यात्रा के लिए। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज सबका आयोजन शुभारंभ में उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, ये जनजाति गौरव दिवस आज हम इसलिए मना रहे हैं, हमने एक संगठन के माध्यम से हमने साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सप्ताह भर में हर क्षेत्र में अलग अलग मामला अभिराजपुर पारा और रतलाम और जैसे कई जिलों में एक सप्ताह में 7 जगह कार्यक्रम आयोजन का हमने तय किया है। और उसका आज पहला कार्यक्रम यहाँ पर पारा क्षेत्र में हुआ है, इसके बाद अगला कार्यक्रम हरियाणा में रहेगा और 13 तारीख को खंडा नगर में रहेगा और 14 तारीख को रतलाम में रहेगा और 15 को हमारा अलीराजपुर में रहेगा। और इस प्रकार से हमारा ये मेन उद्देश्य यही है कि जो समाज में सामाजिक समरसता बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, जाति विशेष निवेश बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि साथियों, हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है वो सभी लोगों ने मिलकर दिया है, उसके लिए हम सब लोगों को गौरव का विषय है और सबको जन जन तक ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने जो यातनाएँ सही है अंग्रेजों के समय में, वो यातनाएँ सहने को मजबूर रखे कि आने वाले समय में ना हो। इससे पहले ही एक गौरव यात्रा के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में तो कई प्रकार के ऐसे आयोजन करते रहेंगे तो समाज में जन जागृति और संगठन को मजबूती के लिए और संगठित करने के लिए ये काम करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।